चलिए अब हम टेंस को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा सेवेंथ नंबर का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग तीनों टेंस के इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस कर चुके हैं, और हम करने जा रहे हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द लगा है, बेसिकली परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स, पहले आपको समझना पड़ेगा होता क्या है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, पूर्ण, जो चीज़ें क्या है अपने आप में कंप्लीट है या कंप्लीट हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे कार्यों की, ऐसे एक्शन की जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुए हैं, जो हाल ही में क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे हम बोलते हैं कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मीन्स आज का मेरा होमवर्क हो गया। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। तो कर चुका हूँ या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, दोनों ही ये जो सेंटेंस है हिंदी में, दोनों अपने आप में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। मीन्स अभी आपने अभी अभी काम को कर लिया है या कर चुके हो। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन क्लियर कर चुका, या मैं ग्रेजुएशन क्लियर कर चुका हूँ, या मैंने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है, मैंने JEE का मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या कर चुका हूँ, दोनों का मतलब ही सेम निकलता है। तो यहाँ हिंदी में बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं, या कर लिया है, लिए हैं एंड ली है, कर ली है। ठीक है, सो लेट्स टेक स्ट्रक्चर। अब इसको हिंदी में तो हम समझिए, इंग्लिश में बनाने के लिए जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, वी नीड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का यूज़, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में हम ing फॉर्म लगाते थे, जस्ट लाइक दैट जितने भी तीन परफेक्ट टेंस हैं, तीनों में क्या लगना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिल्कुल इसको याद रख लीजिए, एकदम सिंपल है, तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। केवल आपका चेंज क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब चीज़ें या इससे ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने जगह वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेंटेंस था उसको हम लेंगे, उससे पहले हम देख लें कि हैव और हैज़ का यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा। तो हमने दो ग्रुप बना के रखे हुए हैं, तो आपका जो आई यू वी एंड दे, ये जो सब्जेक्ट्स के ग्रुप हैं, इनके साथ आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब हैव का, एंड ही शी इट, एंड अगर नेम रहेगा आपका तो इनके साथ आप हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाए तो वहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप डू का यूज़ करते थे, आप उन्हीं के साथ हैव का यूज़ कर रहे हैं, और जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप डस का यूज़ करते थे, उनके साथ आप हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सेंटेंस था उसमें हम पहले बनाए अपना सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं हम। ओके, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा सेंटेंस है यू लिव इन रायपुर, इसे हम एग्जांपल लेकर आ रहे हैं शुरू से। तो क्या हो जाएगा, यू हैव, यू के साथ सब्जेक्ट, यू के साथ हैव का यूज़, यू हैव लिव का थर्ड फॉर्म होता है लिव्ड, यू हैव लिव्ड इन रायपुर, इन रायपुर मीन्स तुम रायपुर में रह चुके हो, रह चुके हो, या इसे रह लिए हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तुम रायपुर में रह चुके हो,
अब मैं आपको बाकी के 3 सेंटेंस नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें आप लोग को वर्क करना है, आपको मुझे बताना है कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। जिन्होंने पिछली 6 वीडियो देख ली हैं वो अब आसानी से नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले के वीडियोज़ को देख लें, तभी वो इसे बना पाएंगे, ठीक है। हमने वीडियोस में ऐसा समझाया कि केवल अब आपको अगर पहला सेंटेंस अगर आ जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आसानी से आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, और इससे बातचीत भी आप चालू कर सकते हैं जैसा हमने बताया है। ज़रूरी कि आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। उसको याद करने का तरीका यही है कि आप बुक लीजिए ग्रामर की कोई सी भी, उसमें वर्ब दिए होते हैं, उसके तीनों फॉर्म्स दिए होते हैं, आप उसको केवल रीड करते जाइए, डेली एक एक बार रीड कीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।